हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई फर्स्ट ट्राई किड्स वियर हॉल वीडियो, एंड इसमें मैं आपको बेसिकली गर्ल का स्टफ दिखाने वाली हूँ। यूजुअली मैं अपने बॉय का दिखाती हूँ जो कि 5 to 6 इयर्स का दिखाती हूँ, बट इस बार मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेबी गर्ल का। ट्रीशा के लिए जो मैंने कपड़े मंगाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसकी जो एज है 1.5 इयर्स है, बट मैंने जो मंगाए हैं 12 to 18 के आसपास के मंगाए हैं, क्योंकि वो लाइक अभी भी थोड़ा सा अपने वेट से नॉर्मली चल रही है, तो उसके लिए उसके एक्यूरेट साइज के मंगाए मैंने कपड़े। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी, और अगर होती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वनीस, एंड ये काफी कंफर्टेबल रहती हैं, बच्चों को पहनाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, फुल कवर्ड रहते हैं। अभी जैसे कि लाइक विंटर सीजन आने वाला है तो उसके लिए मैंने फुल स्लीव्स मंगाया है, एंड ये एक्यूरेट साइज के मंगाए हैं मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लाइक उसको अभी बड़े ही आते हैं, तो इसलिए 12 टू 18 मंथ्स का मंगाया है। और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, सेट ऑफ 3 मिल जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज कलर है, पॉलका डॉट की इस पर डिज़ाइनिंग हो रखी है, ये स्पार्कल टाइप्स में है, बट ये हटने वाला नहीं है, अच्छा लग रहा है। और हल्का सा यहाँ पे पफ वाला भी लुक दिया गया है थोड़ा थोड़ा सा, तो इस तरह की कंफर्टेबल रहती हैं। अगर आप डायपर पहनाते हैं तो भी ओके, अगर आप नहीं पहनाते हैं तो उसको आप साइड में टक करके पहना सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं। इनको पजामे के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप पेयरिंग कर सकते हैं, जीन्स के साथ पहना सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी सी लगती हैं। तो एक ये है कलर, सेकेंड इसमें कलर ये वाला है, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन टोन है, ऑरेंज कंट्रास्टिंग में दिया गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि यहाँ पे इसमें हुक भी दिए गए हैं, तो अगर बच्चे का अगर हेड ज़्यादा बड़ा है या फिर आप नहीं ठीक से पहना पाते हैं, बच्चा रोता है, तो ये ओपन करके पहना सकते हैं, कंफर्टेबली वो पहन लेते हैं। तो उस पर्पज़ से यहाँ पे हुक बटन दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे इसमें बना हुआ है आई लव माई मॉमी, दो वर्ड्स बनी हुई हैं, प्रिंटिंग है बेसिकली, एंडी कहीं नहीं जाती, काफ़ी अच्छे निकलते हैं और काफ़ी सुंदर से लगते हैं। वाइट प्रिंट है, पीछे से प्लेन है, एंड ये बेबी ओए के हैं। और इनका ना लाइक मुझे पैकिंग इस बार बड़ी गंदी सी लगी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना पुराना स्टफ भेज रहे हैं, तो उस टाइप का लगा है। ओवरऑल वैसे अच्छे आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर है, एंड इस पर लिखा है डैडी इज़ प्रिटी गर्ल, तो इस तरह का प्रिंटिंग है इस पर भी, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन टोन सारी अच्छी हैं, तो यहाँ पे ब्लू, वाइट एंड ऑरेंज कलर दिया गया है, जो कि काफ़ी तीनों ही बहुत ही सुंदर से कलर्स हैं, तो आप डेफिनेटली इनको बाय कर सकते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी कभी आप फर्स्ट क्राई से बाय करते हो तो आपको 50% तक का लाइक डिस्काउंट मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर टाइम सेल ही चली रहती है, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैंने इसमें मंगाई है ये, इसके लिए एक आप नाइट वेयर कह सकते हैं, या फिर बेसिकली इसको कभी भी पहना सकते हैं, बच्चों तो दिन में रात में एक जैसा कभी भी पहना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 2-पीस सेट है, एंड इसमें आपको मिल जाती है इस तरह का ये टी शर्ट, जिसमें कि यहाँ पे भी बटन दिए गए हैं, और इसकी क्वालिटी अच्छी है, कॉटन का फैब्रिक है। यहाँ पे मिल जाती है फुल स्लीव्स, इस पर पॉलका डॉट की डिजाइनिंग है, और ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम बिग, प्रिंटिंग है, रबर प्रिंट टाइप्स है, तो इस पर आयरन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नॉर्मली इसको ऐसे ही आयरन कीजिएगा। देन यहाँ पे इसमें कलरफुल सी डॉट्स बनी हुई है, पॉलका डॉट्स, तो ये है। इसके साथ पजामा मिल जाता है, इलास्टिक वेस्टबैंड दी गई है, एंड इस पर भी आपको पॉलका डॉट की डिज़ाइनिंग मिल जाती है। नीचे आपको इस तरह का ये टकिंग वाला पोर्शन मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे से टक हो जाती है। इसमें ना बच्चों का पैर निकलता नहीं है, जैसे पैर के अंदर कई बार लग जाते हैं ना कपड़े, तो उस टाइप का नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छे से लगती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इनका ट्रायल अगर हो पाया, मेरे से मैनेज कर पाई, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी प्रीशा को पहना के, अदरवाइज आप ऐसे ही देख सकते हैं, या फिर आप बच्चों के इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, शिवा अंडरस्कोर प्रिश करके उनका हैंडल है इंस्टा हैंडल, तो आप उस पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि फ़ोटोज़ वगैरह या जब भी वो पहनेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। ये है बेबी हग का, बेबी हग के भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं, ये फर्स्ट क्राई का इन हाउस ब्रांड है, और इसका साइज़ जो है 12 to 18 मंथ्स। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। देन नेक्स्ट मैंने कुछ ब्लूमर्स मंगाए हैं, एंड ये बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं, तो ये इस तरह के इलास्टिक वेस्टबैंड में मिल जाते हैं, नीचे भी टकिंग वाला पोर्शन है, एंड ये सेट ऑफ 3 मिल जाता है, ये पिंक कलर का है, ये वाइट पे प्रिंट है, एंड देन ब्लू पे चेरीज बनी हुई है, तो इस तरह की है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। ये है बेबी ओए का, एंड इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये एक मैंने इसके लिए पजामे मंगाई है, ये भी काफ़ी अच्छी सी लग रही है, इलास्टिक वेस्टबैंड है, आगे इसमें बो की डिटेलिंग दी गई है, एडजस्टेबल नहीं है, जस्ट फॉर शो है, और कोई भी ऐसा लाइक वो नहीं है, थोड़ा सा मोटा स्टफ में फ्लीस वाला पैटर्न में है, तो लाइक अभी थोड़ी विंटर्स आ जाती हैं, बच्चों को थोड़ी जल्दी से ही पहनाना शुरू करना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने मंगाया है, एंड थोड़ी फैंसी सी लग रही है, जैसे कोई भी आप इसके ऊपर फैंसी सा टॉप पहना सकते हो, एंड देन बच्चे इसको वियर कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट सा लुक आएगा,
पॉलका डॉट की डिज़ाइनिंग है, ब्लैक कलर में है, दोनों साइड्स में आपको पॉकेट मिल जाती हैं एंड नीचे हल्का सा इसमें लाइक इलास्टिक वाला लुक दिया गया है तो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाती है। और ये है कुकी किड्स का, इसका साइज है 80 एंड इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये एंड इसमें भी दो मिल जाती हैं पजामे अलग अलग कलर में, इसमें वेरिएशंस और भी हैं कलर के तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसमें मिल जाती है, ये कॉटन में ही है, इलास्टिक वेस्टबैंड है, आगे बो की डिटेलिंग दी गई है और यहाँ पे साइड में इसमें स्पार्कल वाली ये लगाई हुई है टैपिंग जो कि थोड़ा फैंसी सा लुक दे रही है। आप इसको आराम से किसी भी पार्टी फ्रॉक के नीचे बना सकते हो, नॉर्मली बना सकते हो, तो ये मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ यूज़ हो जाता है। नैरो फिट में है, नीचे इसमें हल्का सा फ्रिल वाला पैटर्न दिया गया है। बेबी ओए की है, 12-18 मंथ्स के लिए है एंड देन नेक्स्ट इसमें मिल जाता है लाइलैक कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है और इसमें भी यहाँ पे बो लगी हुई मिल जाती है एंड इस तरह का यहाँ पे ये दी गई है टैपिंग और नीचे आपको फ्रिल वाला पैटर्न मिल जाता है। सेम है दोनों, बस कलर थोड़े से डिफरेंट है, सेट ऑफ टू में ही मिलती है तो आप देख सकते हो। इसका साइज भी मैंने 12-18 मंथ्स मंगाया है एंड इसका प्राइस मैं आप स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है हेयर बैंड्स, अभी तो फिलहाल उसके बाल कटवा दिए मैंने बट बच्चों को ना अगर आप बाल भी कटवा देते हो उनको हेयर बैंड वगैरह लगा देते हो तो बहुत ही स्मार्ट से लगते हैं, तो मैंने इसलिए हेयर बैंड्स मंगाया जो उसके पहले मैंने एक बार मैंने उसका और हॉल डाला हुआ है जब वो लाइक न्यू बॉर्न का, आई थिंक न्यू बॉर्न और समथिंग 3 months to 6 months का शेयर किया हुआ है हॉल वीडियो, तो आप वो देख सकते हो, फर्स्ट क्राई का ही है एंड उस पर आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तब मैंने मंगाए थे हेयर बैंड्स तो वो उसके अब ख़राब हो गए हैं, छोटे भी हो गए हैं तो मैंने सोचा और मंगा लेते हैं एंड देन इस तरह के सेट ऑफ 4 मिल जाते हैं, कलरफुल से हैं, पिंक ब्लू पर्पल एंड येलो जो कि लाइक हर ड्रेस पे चल जाएंगे तो इसलिए मैंने मंगाए हैं। और ये आगे ऊपर सॉफ्ट सी बो मिल जाती है, थोड़ा सा वाइट थ्रेड का काम किया गया है, एम्ब्रॉयडरी है तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आप इनके लिए भी जा सकते हो एंड इनका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये वाले ब्रूमर्स एंड ये मुझे थोड़े ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं बिकॉज साइज़ तो मैंने पता नहीं देख के ही ऑर्डर किया था बट ये बहुत बड़ा साइज़ है, हो सकता है कि गलती से बड़ा रिसीव हो गया हो। तो ये सेट ऑफ 3 है, ब्लू ग्रे एंड ग्रीन कलर टोन पे मिल जाते हैं। इसमें आगे ये तो प्लेन ही है, ये भी नहीं नहीं इसमें प्लेन नहीं है, यहाँ पे ये बारबी डॉल सी बनी हुई है एंड इस पे भी यहाँ पे बारबी डॉल बनी हुई है एंड इस पे भी यहाँ पे, तो ये इस तरह की स्ट्राइप्स वाले पैटर्न में हैं बट ये थोड़ी सी बड़ी सी लग रही हैं तो लेट्स सी कि इनको रखना है कि नहीं रखना है, एक्सचेंज करना है वो देखूंगी। इलास्टिक वेस्ट बैंड दी गई है एंड देन यहाँ पे इस तरह का फिट मिल जाता है तो ये भी अच्छी लगी, फैब्रिक तो अच्छा है बट साइज़ में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, अदरवाइज मैं इसको एक्सचेंज भी करा लूँगी तो वो देख लूँगी एंड इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। देन नेक्स्ट है ये मैंने शिवांश के लिए मंगाया, ये सेट ऑफ 5 है और उसके भी लाइक ब्रूमर्स जो थे वो ख़राब हो रखे थे तो मैंने ये मंगाए हैं एंड काफ़ी अच्छे चलते हैं, पहले भी मैं काफ़ी सारे यूज़ कर चुकी हूँ एंड ये बेबी हक का है, 5 to 6 है तो इस तरह के मैंने मंगाए हैं। ये स्ट्राइप्स वाले पैटर्न में मिल जाता है तो 5 डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट पैटर्न हैं। ये देखिए प्लेन में दिया गया है, पाउडर ब्लू कलर का है, फिर देन इसमें स्ट्राइप्स वाला पैटर्न आ जाता है अगेन, देन ये आ जाता है थोड़ा सा डार्कर टोन पे, स्टार्स बने हुए हैं एंड देन डार्क येलो डर्टी फेलो बहुत करते थे हम बचपन में, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ऐसा ये गेम खेलते थे, बच्चों को ऐसे चिढ़ाते थे येलो डर्टी फेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पांडा वाला प्रिंट में है तो इस तरह की है एंड ये सारे ही अच्छे लग रहे हैं कलर टोन्स, इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। शिवांश के भी बहुत सारे हॉल वीडियोस फर्स्ट क्राई के पड़े हुए हैं बिकॉज मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ फर्स्ट क्राई से ही करती हूँ बट ये नॉन स्पॉन्सर्ड होती है, कोई स्पेसिफिक लाइक इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं प्रमोशनल वीडियो कर रही हूँ, ये नॉन स्पॉन्सर्ड होती है, अपने पैसों से ही बाई करती हूँ और ये मेरा जो भी फीडबैक है वो जेन्युइन फीडबैक होता है और जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ बताती हूँ, जो नहीं लगते वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सॉक्स मंगाई हैं, इनको ओपन करते हैं, सेट ऑफ 5 है ये, क्यूट वॉक बाय बेबी हक की है और इस तरह के आपको ये प्रिंट्स मिल जाते हैं, कुछ प्लेन में है, कुछ इस तरह से स्ट्राइप्स में है, कुछ इस तरह से, तो ये वाली सॉक्स मंगाई थी मैंने एंड ये भी काफ़ी अच्छी सी लग रही हैं, ठीक निकलती हैं, पहले भी मैंने मंगाई हुई हैं। देन नेक्स्ट है ये बच्चों के लिए मैंने लाइक बॉडी वॉश मंगाया है एंड ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये है सेबामेड का और इसको मैं ओपन कर चुकी हूँ, बच्चे नहा चुके हैं इससे, बहुत अच्छा रहता है, टीयर फ्री रहता है, काफ़ी टाइम्स मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने इस बार ये फर्स्ट क्राई से ही मंगाया है
एंड ये डेलिकेट स्किन के लिए होता है बेसिकली. बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उस पे हम हार्श चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली आप तो इस तरह की बॉडी वॉश ही आपको यूज़ करने चाहिए. न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी है ये सूटेबल, तो आप अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इसको. इसमें pH 5.5 मिल जाता है एंड ये क्लिनिकली टेस्टेड है एंड ये हेल्प करता है नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस करने में स्किन में. ये नॉन टीयर फार्मूला है, इससे बच्चे को जब भी आप कभी नहलाते हैं, अगर फेस पे भी लगाते हैं, तो बच्चे से बिल्कुल भी रोते नहीं है. जैसे कि यूजुअली आप देखते होंगे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में साबुन चला जाता है, वो बिल्कुल भी लाइक नेक्स्ट टाइम पे नहाने के लिए उनका मन ही नहीं करता. तो अगर आप इसको इस तरह के टीयर फ्री बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो बच्चे आराम से नहाना भी पसंद करते हैं. इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल सा है, जरा सा आप अपने हैंड पे ले सकते हैं देन फॉर्म क्रिएट करके बच्चों को लगा सकते हैं. ऑल ओवर बॉडी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये मेरे दोनों बच्चों के लिए सूटेबल है, तो आराम से मैं इसको यूज़ करती हूँ. और इसके साथ ये बेबी वाइप्स भी फ्री आई है, 99% वाटर वाइप्स हैं ये. बेसिकली 4 वाइप्स का सेट मिल जाता है एंड ये बेबी हग एडवांस की तरफ से है एंड ये जेंटली क्लीन करने में और हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करती है. एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री है, 100% प्लांट बेस्ड फैब्रिक से बनी हुई है, मेड सेफ है, तो ये फ्री मिलता है. तो अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं, डू चेकआउट. और लास्ट हम चलते हैं इसकी तरफ. और ये बॉक्स मैंने अभी खोला नहीं है बिकॉज ये मेरे को आज रिसीव हुआ है, तो इसको ओपन करती हूँ मैं आप ही के साथ ही. तो इसमें हमें रिसीव होते हैं ये, आई थिंक मैंने बेलीज मंगाई थी, क्यूट वॉक बाय बेबी हग. नो, इसमें शूज़ हैं, तो ये मैंने शूज़ मंगाए हैं मैं. और ये काफ़ी क्यूट से बेबी पिंक कलर में मंगाए हैं. इससे पहले मैंने अमेजन से मंगाए थे जो कि मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग वीडियो में शेयर कर रहे थे, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी, वहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस मिल जाती हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाता है किस तरह से सारा सामान रिसीव होता है और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो ये बहुत ही क्यूट से लग रहा है, बेबी पिंक कलर में वाइट टोन के साथ है. आगे इसमें इस तरह का स्ट्रेचेबल बैंड दिया गया है और फिर यहाँ पे ये दी गई है चिपकने वाला. साइज इसका 21 मंगाया है और ये है, इसमें आवाज़ नहीं है. तो मैंने जो अमेजन से मंगाए थे उसमें चूचू वाली आवाज़ आती है, प्रीशा उसको पहन के बड़ा खुश होती है. ये नॉर्मल है बिना किसी भी आवाज़ के, क्योंकि हर टाइम आप ये वाले शूज़ नहीं पहना सकते ना कि चू 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 आवाज़ आए जा रही है, तो कभी कभी थोड़ा सा नॉर्मल वाला भी चाहिए होता है. मैंने ये मंगाया था एंड ये भी काफ़ी क्यूट से लग रहे हैं, तो डेफिनेटली देख सकते हो. आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर सकूँ, और अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो कर सकते हैं आप. बाकी इस तरह की मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप फर्स्ट क्राई हॉल करके सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि प्रीशा को ये पहना के दिखाऊँ आपको. अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं फोटोज़ वगैरह जरूर अपलोड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा. एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कि ये हॉल वीडियो आपको कैसा लगा, प्लस इसमें से आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. चिल्ड्रन बाय बाय.